हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं एच के किचन व्लॉग्स तो अभी बज रहे मॉर्निंग के एट ओ क्लाक संडे है आज और सबसे पहले सभी लोगों को जश्न ईद नबी बहुत बहुत मुबारक हो बहुत ही खूबसूरत दिन है आज और देखिए ये मैं आटा गून रही हूँ यहाँ पर पूरीओ का आटा मॉर्निंग के एट ओ को मैं आज का जो ये व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ तो फुल डे रूटीन मैं आप लोगों को आज शेयर करूँगी कि जश्न ईद नबी किस तरीके से हमने मनाया तो पूरी का आटा मैं गूंढ रही हूँ क्योंकि पूरिया बनाई जाएगी खीर पूरी और भाजी भी बनाएंगे भाजी की फुल रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और पूरी की भी शेयर ही कर रही हूँ देखिए तो आटा मैंने लिया था उसमें नमक ऐड कर दिया था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है जितना आपको पूरिया बनानी है उतना आटा आपको लेना है और तेल मैंने देखिए डालकर अच्छे से इसे गूंध लिया है तो आटा मेरा गूँध के रेडी हो गया है तो इसे रेस्ट होने के लिए मैं रख दूँगी साइड में और आज जो खीर पूरी है ना मैं नहीं बना रही हूँ मम्मी बनाएंगे आज क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि बच्चे लोग के ना एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम मतलब मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उन लोगों के तो मतलब एक दिन ही है कल मंडे है तो एक दिन ही है मेरे पास तो सैटरडे संडे का दिन ही रहता है उन लोगों को पढ़ाने के लिए और यहाँ पर देखिए मैंने ना आलू बॉईल होने के लिए रख दिया था क्योंकि भाजी बनाने वाली हूँ ना मैं तो पूरीों के साथ जो खाई जाती है ना येलो वाली भाजी उसकी फुल रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ लेकिन खीर पूरी जो है ना वो मम्मी बनाएंगे तो देखिए इसका आलू को ना मैंने बॉईल कर लिया था और इसका छिलका मैंने निकाल दिया है तो इसे अभी फिलहाल ये गर्म है ना तो इसे ठंडा होने के बाद मैं इसे नाइफ़ से तोड़ दूँगी तो देखिए फ्रेंड्स इसके पीसेस मैंने कट कर लिए हैं तो इसी तरीके के हमें चाहिए और यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख दिया है गैस पर भाजी बनाने के लिए तो आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है तेल दो टेबलस्पून के दो या तीन टेबलस्पून के करीब तेल इसमें ऐड कर देना है तेल जैसे गर्म होता है फ्लेम को लो कर देंगे उसमें ऐड कर देंगे वन टेबल स्पून राई जो होती है ना वो ऐड कर देंगे मस्टर्ड सीड्स और वन टेबल स्पून ही मैं ऐड कर दूँगी ज़ीरा आठ से दस कड़ी पत्ता जो होता है ना वो मैंने वॉश करके इसमें ऐड कर दिया है और इसे थोड़ा सा पकने देते हैं अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज तो मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को ना बारीक बारीक कट करके कर मैंने रख दिया था साइड में तो वो इसमें ऐड कर दिया है इसका कच्चापन खत्म होने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है तो मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसे भून लूँगी तो देखिए फ्रेंड्स प्याज बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो इसी तरीके के हमें चाहिए ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है या ब्राउन कलर नहीं करना है तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी वन टेबल स्पून के करीब हरी मिर्च का पेस्ट और वन टी हल्दी पाउडर और अच्छे से इसे हम भून लेंगे सब चीज़ों के साथ और नीचे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि बिल्डिंग का काम चल रहा है ना मतलब हमारी जो सामने वाली बिल्डिंग है ना उसका काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो एडजस्ट कर लीजिएगा तो देखिए बहुत ही अच्छे से प्याज मैंने भून लिया है अब इसमें आलू ऐड कर देंगे जो बॉईल करके रखा था ना आलू वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे नमक हमने अभी तक इसमें नहीं ऐड किया है तो सब चीज़ों को सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर बर्तन मेरा थोड़ा न छोटा पड़ रहा था देखिए तो आपको ना कढ़ाई लेंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट भाजी उसमें बन के रेडी हो जाती है तो मैं भूल गई थी कढ़ाई लेना क्योंकि जल्दी जल्दी मैं सब काम कर रही थी ना तो वन टीस्पून के करीब मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है तो नमक अपने हिसाब से डालना है वन टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है और बाद में कभी कम लगेगा तो मैं फिर इसमें ऐड कर सकती हूँ ना इसके लिए मैं स्टार्टिंग में कम ही डालती हूँ ये सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्रेश हरे धनी के पत्तों को भी मैंने काट के वॉश करके इसमें ऐड कर दिया है तो ये स्किप नहीं करना है इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है भाजी में अब सब चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है फ्रेश हरे धनी के पत्ते भी ऐड कर दिया ना तो अच्छे से मिक्स करेंगे नहीं तो एक साइड में नमक हो जाएगा और इसे कवर करके लो फ्लेम पर हम छोड़ देंगे पकने के लिए अब यहाँ पर साइड में दूसरे गैस पर ना मैं चिकन की ग्रेवी बना रही हूँ क्योंकि बस भाजी और पूरी से काम नहीं चलेगा ना तो चिकन की ग्रेवी मैं बना रही हूँ यहाँ पर तो देखिए चिकन की ग्रेवी की रेसिपी मैंने शेयर की हूँ आप लोगों के साथ अगर नहीं वॉच की है ना आप लोगों ने तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप जाकर देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही फटाफट से बन जाती है ना इसके लिए चिकन की ग्रेवी बना रही हूँ और हमेशा हमारे यहाँ पर ना बिरयानी वगैरह बनाई जाती है लेकिन इस बार ना बच्चों के एग्ज़ाम होने की वजह से ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे कि मैं कुछ बना सकूँ क्योंकि देखिए ना खीर पूरी भी मम्मी बना रहे हैं तो मतलब टाइम नहीं है मेरे पास और घर पर मरिया भी नहीं है तो इसके वजह से सब काम हमें ही करना है तो मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आज मम्मी को ज़्यादा काम नहीं देती हूँ मैं वैसे मतलब कुकिंग का कुछ भी काम नहीं देती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है ना कि जब हम बना सकते हैं तो क्यों उनको तकलीफ़ दे तो इसके लिए कुछ भी काम नहीं देती हूँ किचन का मैं मैं खुद ही करती हूँ और यहाँ पर आलू की भाजी बनके मेरी रेडी हो गई है और चिकन की ग्रेवी भी देखिए मैं चेक कर रही हूँ तो ये भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है लेकिन फिर भी मैं इसे फिर, फिर से रखूँगी एक बार थोड़ा सा पानी ऐड करके क्योंकि बहुत ज़्यादा ठीक हो रही थी ना तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चिकन की जो ग्रेवी है ना वो भी बन के रेडी हो गई है तो अभी बज रहे टेन ओ क्लॉक और अभी मम्मी भी किचन में आ गए हैं नाश्ता वगैरह सब हो चुका है उन लोगों का तो अभी मम्मी अपने काम को शुरू करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स खीर की रेसिपी ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हूँ अगर नहीं वॉच की है ना डिटेल में तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप जाकर देख सकते हैं तो दूध वगैरह भी सब मम्मी ने ही गर्म किया है तो वही बना रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन वही बना रहे हैं आज क्या करेंगे ना एडजस्ट करना पड़ता है और मम्मी ना बहुत अच्छा खाना बनाते हैं बहुत अच्छा मतलब पूरा खाना उन्होंने मुझे सिखाया है तो उनका देख देख कर मैं सीखी हूँ तो देखिए खीर बन के रेडी हो गई है पूरी तरीके से और खीर में ना उबाल आ गया था मतलब ढाँक दिए थे ना उसको इसके लिए वो बर्तन आपको इस तरीके से दिखता होगा खीर का और पूरिया तलने के लिए तेल पे रख दिया है साइड में गर्म होने के लिए और बीच बीच में आके मैं शूट कर रही हूँ ये क्योंकि मम्मी बना रहे किचन में मैं अंदर पढ़ा रही हूँ बच्चों को तो देखिए पूरिया बना रहे मम्मी तो इसी तरह की बनाई जाती है ना तो आटा तो मैंने गुंद कर रख दिया था पहले से ही और गलास से या कोई भी आपको जिस साइज़ की भी आपको पूरिया चाहिए वो साइज़ का बर्तन लेकर या नॉर्मली भी बेल भी सकते हैं आप लेकिन एक शेप की अच्छे से पूरिया आए ना इसके लिए गिलास का यूज़ करते हैं हम लोग तो छोटी होती है पूरिया लेकिन बहुत ही अच्छे से सेम साइज़ की बनती है तो देखिए पूरिया बना रहे तल तल रहे मम्मी फ्राई कर रहे तो जब पूरिया सब बेल के हो गई थी तो उन्होंने मुझे आवाज़ दिया कि आ जाओ शूट करने के लिए तो वही मैं शूट कर रही हूँ अब और पूरिया भी देखिए ना कितने अच्छे से बनी है सॉफ्ट बनी है बहुत सॉफ्ट बनी थी तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई थी बहुत ही सॉफ्ट क्योंकि फूल भी रही है देखिए आपके सामने ही है तो फूल भी रही थी तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनी थी क्योंकि मम्मी लोग का खाना ही ऐसा होता है ना तो हर चीज़ परफेक्ट बनती ही है फेल नहीं होती है। तो यहाँ पे पूरिया बन के रेडी हो गई है और इसे निकाला जा रहा है तो बहुत सारी मतलब क्वांटिटी भी ज़्यादा है ना पूरी की तो वो हिसाब से अभी पूरिया बनाते रहेंगे मम्मी और उसके बाद फिर हम फातिया भी देंगे और जिस तरीके से हर साल मतलब मनाया जाता है ना ईद मिलादुलनबी वो तरीके से हमने नहीं मनाया इस बार तो अफसोस है इस बात का कि मतलब बच्चों की पढ़ाई में ही ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था कि उन लोगों का एग्ज़ाम भी आ गया तो इसके वजह से तो कुछ ज़्यादा बना भी नहीं पाई मैं रेसिपी वगैरह और जो भी आपके सामने ही है जो भी चीज़ें मैंने बनाई वो तो देखिए फातिया देगी और शाम में हाँ शाम में जो जुलूस होगा ना जुलूस निकलता है तो वो देखने के लिए तो जाएंगे ज़रूर जाएंगे तो वो भी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा बिल्कुल भी स्किप ना करिए वीडियो को तो बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन कीजिए ताकि मेरे हर रेसिपी ना सबसे पहले आप लोगों को फ्री में वॉच करने को मिल सके तो देखिए पूरिया बन के रेडी हो गई है अब यहाँ पे खीर में निकाल रही हूँ फ़ातिया भी देनी है ना तो सुबह के टाइम में ही दी जाती है ना फातिया तो खीर में निकाल रही हूँ तो यहाँ पर देखिए फातिया की तैयारी चल रही है खीर भी आ गई है पूरिया भी आ गई है और बच्चे हेल्प कर रहे हैं मेरी लाने के लिए और यहाँ पे मम्मी फातिया दे रहे हैं और ये भाई को देखिए यहाँ पे ये ना मम्मी के जब फातह हो गए ना तो ये खुद बैठ गए दुआ मांगने के लिए पता नहीं एग्ज़ाम के लिए दुआ मांग रहा है शायद शेर यार बैठा है अरकान तो फातह हो गई तो फटाक से पढ़ाई के लिए चला गया और इनकी दुआई चल रही है पता नहीं क्या मांग रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम है एग्ज़ाम के लिए शायद मांगता होगा आप लोगों को क्या लगता है क्या मांगता होगा मुझे तो नहीं पता बताता भी नहीं है तो देखिए फ्रेंड्स अभी बजे दोपहर के टू थर्टी सब लोगों का खाना हो चुका है मैं ऊपर बैठी हूँ टेबल पर क्योंकि सब लोगों ने खा चुके हैं ना मैं तो पढ़ाई में बिज़ी थी बच्चों के और देखिए खीर पूरी और भाजी यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही हूँ आप लोग भी बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए कि किस तरीके की बनी थी खीर पूरी आप कमेंट नहीं करते हो यार कमेंट कीजिए तो मुझे पता चलता है कि कौन कौन वीडियो देख रहा है वॉच कर रहा है मेरी किसने देखी है किसने नहीं देखी है तो पता चलता है ना और समझ में भी आता है कि क्या मिस्टेक हो रही है अपने से या कुछ अच्छा बना नहीं भी बना तो वो भी बताना कमेंट में ज़रूर बताना कि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो वो भी बताना ज़रूर कि ज़रूर ने हर बार मतलब अच्छे अच्छे ही कमेंट किए जाए ना और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी भाजी मेरी आ, मैं इंजॉय कर रही उसके बाद ना जब अभी फिर से मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी उन लोगों को पढ़ाने के लिए और फिर बच्चों का माइंड थोड़ा फ्रेश करने के लिए शाम में जुलूस में भी लेकर जाना है उन लोगों के लिए तो मिलते हैं बाद में तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जुलूस में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से डेकोरेट किया है सब चीज़ें और रश देख सकते हैं आप कितना रश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है और जुलूस हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छे से निकला है देखिए और डीजे वगैरह लगता है और नाच गाना चलता है वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि जो नाच गाना करते हुए लेकर जाते हैं ना तो वो तो करना भी नहीं चाहिए नॉर्मली नात वात पढ़ते हुए या मिलाद वगैरह पढ़ते हुए लेकर जाओ या डीजे पर भी आप नात लगा रहे हो तो ठीक है लेकिन थोड़ा सही तरीके से आ, मतलब जुलूस को आ, निकालना चाहिए तो वही यहाँ पर हो रहा है तो आगे शायद होता होगा नाच गाना वगैरह मतलब नाचते हुए ले जाते हैं पता नहीं क्या करते पब्लिक इन्जॉय ज़्यादा करती है क्या किस बात के इन्जॉय इतना करती है पता नहीं नमाज़ वगैरह पढ़ो तो वो ज़्यादा है ना इम्पोर्टेंट ये चीज़ भी है लेकिन थोड़ा सही तरीके से कीजिए नाच गाना वगैरह करते हुए तुम लेकर जाओगे तो ये सही नहीं है तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है ये डेकोरेट किया जाता है देखिए काबा शरीफ बनाया है और आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो वो भी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ तो मेहनत भी लगती होगी ना यहाँ पर बनाने के लिए देखिए ना कितने अच्छे से डेकोरेट किया है और यहाँ पे ना जगह जगह पर मतलब स्टॉल भी लगे हुए हैं कि खाना पानी बटता है और कुछ भी बच्चों लोगों के लिए या बड़े लोगों के लिए खाना भी रहता है मतलब हलवा पूरी और समोसा पाओ या बिस्किट के पैकेट्स बहुत सारी चीज़ें रहती है जगह जगह पर तो वो भी मिलते रहती है जैसे जुलूस निकलता है ना तो रोड पर हर जगह पर ऐसे स्टॉल लगते हैं और बांटते हैं वो लोग सब तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये भी डेकोरेट किया है और आगे भी बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा रश है मतलब पूरा रोड ही ब्लॉक है तो आज के दिन तो बॉम्बे में बहुत ज़्यादा मतलब जश्न बॉम्बे में ही क्या हर जगह हर जगह मनाया जाता है मतलब जश्न ईद मिलादुलनबी हमारे नबी का एक तरीके से बर्थडे है ना शॉर्टकट में अगर कहेंगे तो बर्थडे ही है तो वही मनाते हैं ना धूमधाम से मनाते हैं तो घर को सजाते हैं बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करते हैं घर को भी अपने अपने नात शरीफ पढ़ाई जाती है मिलाद शरी पढ़ाई जाती है और कुछ लोग इस तरीके से मनाते हैं तो बच्चों को इंटरटेनमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माइंड फ्रेश करने के लिए सुबह से वो लोग पढ़ाई में बिजी ही थे तो देखिए यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक भी जाम हो गई है और क्यों ना होगी क्योंकि रश इतना ज़्यादा है रोड पर तो क्या करेंगे ट्रैफिक तो जाम होना ही था तो देखिए इस तरीके से जश्न ईद मिलादबी हमने मनाया और यहाँ पर बच्चे लोग को हम इंजॉय करने के लिए लेकर आए और तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव मी बिग थम्स अप और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार से व्लॉग्स रेसिपी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान से रेसिपी और ब्लॉग के साथ तब तक दुआ में याद रखना अल्लाह